मैं अमित यादव। दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज की जा रही है, मगर सिनेमा घरों में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफार्म पर। फिल्म का ट्रेलर शुक्रवार 9 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। अक्षय कुमार ने यह जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। लक्ष्मी बम अगले महीने 9 तारीख को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। अक्षय ने ट्रेलर की जानकारी देते हुए लिखा, हंसोगे डरोगे और अपने घर वालों के साथ मिलकर कल सबसे बड़ा धमाका देखोगे। लक्ष्मी बम का ट्रेलर कल आ रहा है। लक्ष्मी बम अक्षय की 2020 में पहली रिलीज फिल्म है। इस साल कोरोना वायरस के चलते सिनेमाघर बंद होने की वजह से कोई फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। वैसे भारत में ना सही मगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएई के दर्शक फिल्म को बड़े पर्दे पर भी देख सकेंगे, क्योंकि फिल्म वहां 9 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। लक्ष्मी बम एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राघव लारेंज ने किया है। यह तमिल के ब्लॉकबस्टर मूवी मुनी टू कंचना का रीमेक है। फिल्म पहले ईद पर रिलीज होने वाली थी मगर कोविड-19 के प्रकोप के बाद सिनेमाघर बंद होने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। लक्ष्मी बम में अक्षय पहली बार एक ट्रांसजेंडर के रोल में दिखाई देंगे। फिल्म में कियारा आडवाणी फीमेल लीड रोल में है। अक्षय ने इसकी रिलीज डेट का ऐलान 16 सितंबर को किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, इस दिवाली आपके घरों में लक्ष्मी के साथ एक धमाकेदार बम भी आएगा, आ रही है लक्ष्मी बम। अभी तक की जानकारी के अनुसार अक्षय की इस साल रिलीज होने वाली फिल्में अब 2021 में आएंगी। इनमें सूर्यवंशी, पृथ्वीराज, बच्चन पांडे और बेलबॉटम शामिल है। वैसे केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमाघर खोलने की इजाजत दे दी है, मगर अभी तक किसी फिल्म मेकर ने सिनेमाघरों में फिल्म की रिलीज को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, मूवी ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।